दोस्तों आज एक नवा प्रोग्राम लेके तुहाडे कोल हाजिर हो रहे हैं। खबरां हमेशा तो ट्रैवल करदियां ने, कुछ खबरां आंदियां ने ते कुछ चले जांदियां ने। इस करके हर हफ्ते कुछ पिछले हफ्ते की हो गया, शहर दी की सरगर्मियां रहियां, फिर तो एक बार इहदे वास्ते एक आपां रूबरू होवांगे ते कुछ ऐसियां खबरां जिहड़ियां पिछे निकल गईयां ने आपां भुल गए हां। दिवाली निकल के गई है, पटाकियां का सीजन सीगा, एक जगह तो 5 लाख रुपए के पटाके भी नियर अबाउट कीमत हुए। व्यापारियों की भी अपनी एक मजबूरी हैगी है, वो भी की करन। प्रशासन ने नकेल कसनी चाही। एक वरिष्ठ पत्रकार ने पुलिस को फोन किया, उन्होंने देखा भी पटन पार्क के बीच 20 दुकाना का लाइसेंस सीगा, लेकिन 100 तो उपर दुकाना चली है। प्रशासन की नक के थले सारे काम हुए, लेकिन जानन वाला ते सुनन वाला कोई नहीं सी। दिवाली वाले दिन उत्ते हर तरह के पटाके भी विके, पुलिस हर चीज़ की जानकार है। 20 लाइसेंसा उत्ते 100 दुकाना बनिया हुई सन, समान बिक रहा सी। पुलिस की भी अपनी हर साल हुंदा आया वै, इस साल भी होया फगवाड़ा गेट के बीच। उन्हें भी गल हैगी है, 71 साल के लेडीज़ जिहड़े परांठे बना के गुजारा करते, किसी ने उन्होंने हाईलाइट किया, सरकारों भी शर्म आई। तो साढ़े पंजाब के वूमेन सैल के जोड़े प्रेजिडेंट है मैडम आए थे खुद इतने, उन्होंने आके मिले, पराठे भी खाधे, पुलिस भी नाल आई। उस तो बाद सरकार जागियां, कैप्टन साहब ने उन्होंने 1 लाख रुपए का चैक दिता। आखिर क्यों हो रहा समाज के बीच कि साढ़े बुजुर्ग जोड़े है वो धक्के खा रहे हैं। PPR के गोल्ड किटी कांड को लैके कुछ लोग फरार भी है, कुछ लोग गिरफ्तार भी है, उन्होंने लैके लोगों ने उन्होंने पुतला साड़िया, पुतला तो साड़िया, लेकिन हर साल हुंदा आया है। कोई ना कोई कंपनी, बहुत सारिया पिछले 30 साल तो हो रहा है, सरकारां देख रही ने, लेकिन कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिन्हें इसी रोकया जा सके। कानून तो बड़े सख्त बनाए गए हैं, पर लोगों को भी सोचना चाहिए, एक अवेयरनैस की कमी है भी आखिर पैसा कितने लगाया जाना चाहिए है। वह साड़ी इकोनमी का स्तर नीचे न जा रहा है, लोग भी पैसे के लालच फस जाते हैं तो पैसा लगाते हैं। पिछले 8 महीने तो एक चीज़ ने बड़ा तंग किया होया वै, करोना ने, फिर तो करोना का प्रकोप बढ़ रहा वै। दिल्ली में तो बाजार लॉकडाउन होने की कंडीशन आ गए हैं, वो भी बड़े एक सोचने के विचार वाली गल है। लेकिन पब्लिक भी की कर सकती है, जगर काम नहीं चलेगा, सिस्टम नहीं चलेंगे तो फिर पैसा आएगा कितों। पर करोना का बचाव बहुत जरूरी है, किसी बंदे को करोना हो जाता तो पूरा परिवार वो खत्म हो जाता है। सो तुसी अपना ध्यान रखो, ज़्यादा रश वाली जगह पर ना जाओ। यूको बैंक का लूटकांड होया सीगा, उहदे विच 7 दिनदार पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया वै। साडी पुलिस की बड़ी शाबाशी है कि उन्होंने इस चीज़ कार्रवाई की है। खुशी की गल भी आई है कि 25 नवंबर तो सिर्फ 4,195 रुपये दे के तुसी जलंधर तो मुंबई जा सकते हैं। आदमपुर हवाई अड्डे की शुरुआत हो गई है। यदि सब नो चंगी खबर तो एक होर जलंधर के बीच आई है, इंप्रूवमेंट्स जो कि चारों पास घिरया होया वै, उन्होंने लाइटा लगाने का काम शुरू किया। सूरज इनकलेव के लाइटा जगमग हो, कुछ अलाटियां के पैसे भी मुड़े गए हैं। 1 करोड़ 3 लाख रुपया उन्होंने चैक के थ्रू वापस दिता है, जिन्हों की पेमेंट रुकी हुई सी उन्होंने पैसे वापस मिल गए हैं। सुखदेव सिंह ढींडसा जी ICSGPC 100 साल हो गए, जलंधर च उन्होंने शिरकत की है। उन्होंने यह कहना सीगा कि सियासत ने धर्म को चलाने का काम शुरू कर दिता है, जबकि धर्म साडा जिहड़ा है सियासत को चलाता सी। इस चीज़ वास्ते जो उन्होंने पूछा गया कि दोबारा तो नहीं होएगा, जो राजनीति में होंदा आम तौर पर कि दोबारा बादल परिवार ने समझौता तो नहीं हो जाएगा तुहाडा, तो उन्होंने दसिया कि इस तरह की कोई भी उम्मीद नहीं है, ना ही ये कभी होना है। ट्रेन्स बंद पईआं ने, इहनूं लैके लोग बहुत परेशान हैगे है। अज काफ़ी लंबा अरसा हो गया ट्रेना बंद होए नूं, क्योंकि अकाली दल ने पहले बिल पास कराउण च हैल्प की, फिर उहदे अगेंस्ट आ गए। जदों कैप्टन सरकार ने पंजाब विधानसभा च बिल पास किया तो उन्होंने वॉकआउट करके भी ये ठीक नहीं है, पहले कहते ठीक है, फिर कहते ठीक नहीं है। सेंटर भी अपनी राजनीति पूरी खेड रहा है। ट्रेना बंद है, थर्मल प्लांट उधरों कूड़ा खत्म हो गया वै, किसान कहते ट्रैक खाले कर दिते हैं। सरकार इस गल में, सेंटर गवर्नमेंट इस गल में मरन तैयार नहीं, पंजाब सरकार कह गई है कि इस ट्रैक खाली है। बड़िया सारिया गल्लां है, पर सियासत इन्नी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोग पिसते नजर आ। दिवाली वाली रात गुरु अमरदास नगर के 21 साल के लड़के ने अपने आप में फंदा लगा लिया। करोना तो बाद सुसाइड रेट बहुत तेजी नाल वधे आ, छोटी छोटी गल ते आपां परेशान हो रहे हैं, घरां दे विच विवाद वध रहे आ, नहीं होने चाहिए। बहुत सारिया गल्लां हैगियां ने, इन्हां नूं रोकना जाना चाहिए वै। इमपेशंस हो रहे हैं, असीं पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है,
कारोबारी हालात बहुत बिगड़ गए हैं, लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन से हैं। सरकार है दिल्ली कुछ कर नहीं रही है, एज यूजल सरकार ने तो वो ही करना है जो रूटीन से करती आ रही हैं। 2 दिन पहले हवा बहुत तेज चली सी, बिजली महकमे दा इन्ना बुरा हाल हो गया कि जलंधर के शिव विहार के बीच 15 घंटे मिठापुर पूरे एरिए 15 घंटे बत्ती बंद रही, जो एक अपने आप च इस एरिए रिकॉर्ड ही हो गया। सरकार मजबूर ने, उधरों कोयले की कमी हैगी है। गल जो भी होवे, मुकदी गल इत्थे आ के है कि सरकारां अपने उसे ही ढर्रे ते उसी रोजमर्रा ते चल रही ने। उन्हां नूं चाहीदा है कि पब्लिक नूं जो फैसिलिटी मिलनी चाहीदी है वो नहीं मिल पाई कभी भी, मेडिकल सेवावां होण या होर सेवावां होण। तो क्या रहिंदा है, एक डॉक्टर बलराज गुप्ता के केस के विच बड़ा टर्निंग पॉइंट आया होया, FIR दर्ज है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। सेहत विभाग कहिंदा अपनी जगह ठीक है, जबकि डॉक्टर गुप्ता का वर्जन भी पिछे आया सी। बहुत सारे पत्रकार भरावों ने इस बारे लिखा हैगा वह कि भई ये अगर स्टिंग सीगा तो पैसे नहीं बरामद हुए, पता नहीं की चाल मिले इन्हों लोगों का, तो सरकारों का। बड़ी अजीब जी घटना जलंधर के बीच हुई है, बत्रा पैलेस के मालक दोनों भरावों ने, उन्होंने मदर की डैथ हो गई सी। वो जो संस्कार से पहुँचे तो संस्कार के समय से दोनों भरावों की आपस में लड़ाई हो गई। कहिंदे जिहड़ी चिता के उत्ते रखिया गई लकड़ा सी, उन्होंने लकड़ा ने चुके एक दूजे पर मारे। की टाइम आ गया, माँ बाप ने, माँ बड़े प्यार ना बच्चों को पालती है लेकिन संस्कार भी सही ढंग नसीब नहीं हो पा रहा सीगा। सो ये कुछ सरगर्मियां सीगियां जो पिछले 10 दिन दे विच रहियां ने। उम्मीद है सानू तुहानू साडा ये कार्यक्रम पसंद आया होएगा। दोबारा मुलाकात होएगी, धन्यवाद।